Dr. Premanand Jhanvi and Dr. Karan. यहाँ मैं प्रेस क्लब से प्रणब बाबू, थैंक यू फॉर कमिंग. और यहाँ मैं सामने में डिग्निट्रीज हैं, सबको मैं पहचानता हूँ. प्रेस पीपल ऑफ द प्रेस अगरतला से जो आए हैं, भाई कहाम लामसोगो वेलकम. कभी कभी ईडीसी में भी आकर आपने देखा है, किसी ने कहा था पहले कि बुबागरा या प्रद्योत, आप ईडीसी में प्रोग्राम करने से अगरतला के प्रेस को क्यों नहीं बुलाते हो. तो मुझे लगा कि ये ठीक, ये राइट, ये आपका सजेशन एकदम ठीक है. तो मैंने इसके लिए खुद बहुत लोगों को फ़ोन करके, प्रणब बाबू को फ़ोन करके, यहाँ मैं आप लोग है उनको फ़ोन करके मैंने निमंत्रण किया है, आप आए हैं. मैं चाहता हूँ कि त्रिपुरा में एक हेल्थ रेवोल्यूशन आए और ये स्वास्थ्य एक चीज़ ऐसा है जो किसी का जाति को नहीं देखता है, किसी का धर्म को नहीं देखता है. और हेल्थ एक ऐसा चीज़ है जो सबको इफेक्ट करता है. जब कोविड हुआ तो किसी ने नहीं देखा कि कौन क्या है, हम सबको लगा. और त्रिपुरा को अगर आगे बढ़ना है तो हमें हेल्थ केयर अपने लोगों को, जब मैं अपने लोगों के बारे बात करता हूँ, मैं पूरा त्रिपुरा के बारे बात करता हूँ, हम त्रिपुरा के लोगों को हेल्थ केयर, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, क्वालिटी हेल्थ केयर हमें चाहिए. और इसके लिए जब हम लोग ईडीसी में पावर में आए थे तो मैंने उस समय, अब तो मैं ओपनली बोल सकता हूँ, मैंने उस समय अपने मुख्यमंत्री जी से बात किया था और मैंने कहा था कि मैं अपोलो को ईडीसी लाना चाहता हूँ. तो उन्होंने कहा था कि वो तो अगरतला में भी नहीं आए हैं, ईडीसी कैसे आएंगे, मुझे नहीं लगता होगा. महाराज आप कोशिश कर लो लेकिन मुझे नहीं लगता होगा. मैंने इसको चैलेंज ऐसे नहीं लिया, मैंने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ. और कोशिश कर करके हमारे यहाँ में भी बहुत लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि सिस्टम को अगर आप पुश नहीं करोगे, अगर आप किसी को धक्का मार के नहीं बोलोगे करो करो, तो सिस्टम खुद ब खुद काम नहीं करता. मैंने बहुत कोशिश किया है और मुझे आज आपको बोलने में आनंद भी लगता है कि अपोलो एडीसी में है, अपोलो त्रिपुरा में है. लेकिन ये आ गया, हम लोग ने ताली मार दिया, खत्म नहीं. मैंने देखा है कि हमारा आज कोई भी त्रिपुरा का लोग हो, पहाड़ से हो या शहर से हो, अगर उनको ट्रीटमेंट चाहिए तो वेलोर जाना पड़ता है, बॉम्बे जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, कलकत्ता जाना पड़ता है, गुवाहाटी जाना पड़ता है. मैं चाहता हूं कि खुमुलुंग में ही हम एक ऐसा सेटअप बना दें, 5 साल हो 10 साल हो, कि कोई भी त्रिपुरा के आदमी को या महिला को या यूथ को बाहर जाने का दरकार नहीं होना चाहिए, उनको त्रिपुरा में ही उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए. और ट्रीटमेंट वैसा हो जो क्वालिटी हो, लेकिन आपके जेब में खर्चा इतना नहीं. सामने बांग्लादेश है, बांग्लादेश से भी लोग चेन्नई पहुंच जाते हैं, हैदराबाद पहुंच जाते हैं, वेलोर पहुंच जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं. आप यहां आकर करो, जब यहां में कोई आएगा ट्रीटमेंट कराएगा तो यहां का इकोनॉमी बढ़ेगा. क्योंकि जब एक पेशेंट आता है तो वो सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं आता है, उनको यहां में 10-15 दिन बिताना पड़ता है. और अगर कोई 10-15 दिन यहाँ रहेगा तो वो पैसा भी खर्च करेगा और वो पैसा हमारे ही लोगों के पास जाएगा. आज तक हमने पैसा कमाया है और हमने जाकर बाहर में पैसा खर्च किया है. हम चाहता है कि बाहर के लोग आकर खुमलुंग में पैसा खर्च करें और ये पैसा आपके पास जाए. इकोनॉमी को अगर बढ़ाना है, अगर सिस्टम को बदलना है, तो पैसा आपके पास आना पड़ेगा, हेल्थ आपके पास आना पड़ेगा, एजुकेशन आपके पास आना पड़ेगा.
मैं आपको एक अंदर का बात बोलता हूं, हेल्थ केयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा पिताजी 2006 में, मुझे अभी भी याद है, उनके चेस्ट में थोड़ा सा दर्द हुआ। सवेरे 4 बजा था, उन्होंने राजमाता को, उस समय महारानी को कहा कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम है। मेरा पिताजी, तो हमने बोला कि अच्छा ठीक है, दवाई ले लो, सो जाओ, पानी पी लो। 8 बजे उन्होंने कहा, अभी भी 4 घंटा हो गया है, कहा अभी भी ठीक नहीं लग रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, मैं जुबराज से बात करना चाहता हूँ। मुझसे, मैं शिलोंग में था, मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा बाबा सब ठीक है? बोला नहीं, सांस लेने में प्रॉब्लम है। बोला कि बाबा आपको कुछ नहीं होगा? बोला नहीं, हम ठीक, आप आ जाओ। महाराजा को डॉक्टर के पास, डॉक्टर आया 10 बजे, हॉस्पिटल ले गया 12 बजे, 8 घंटा डिले हुआ। मैंने अपने बाबा को और कभी ज़िंदगी में नहीं देखा, वो फ़ोन कॉल ही लास्ट टाइम था। ये डिले हुआ, जो भी रीज़न के लिए हुआ, इसके लिए आज मेरा पिताजी मेरे संग नहीं है। मैंने कभी भी उनको, उनके संग और बात नहीं की। ये मेरे अंदर आज भी एक छोटा सा एक दर्द है कि मैंने अपने बाबा को उनके लास्ट मोमेंट में, मैंने उनका हाथ नहीं पकड़ा, उनसे बात नहीं किया। मैंने अपने पिताजी को, मुझे रहना चाहिए था उससे, लेकिन वो 8 घंटा तक कंप्लेन करते रहा कि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम था और ट्रीटमेंट नहीं। जब एक 60 साल का एक महिला, जो अभी डॉक्टर प्रेमानंद ने कहा है, खैरिंग बार आता है, हार्ट रेट 117 है, उस समय अगर ये अपोलो आने से पहले होता तो उनको अगरतला जाना पड़ता और डिले होता, और उस डिले में क्या भी हो सकता कोई बोल नहीं सकता। लेकिन राइट टाइम में डॉक्टर खैरिंग बार में उनका मुलाकात हुआ, उनको स्टेबलाइज किया गया। आज वो 60 साल का औरत अपने परिवार के संग है, ठीक है। एक 104 साल का व्यक्ति खुद खैरिंग बार जाता है ट्रीटमेंट के लिए, क्या मैसेज है कि हम लोग विश्वास करता है कि यहाँ में खुमलुंग में भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट बन सकता है। एक सेंटर, एक विश्वास है। और मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैंने अपना पिताजी के बारे क्यों बात किया, महाराजा के बारे क्यों बात की? महाराजा वीर विक्रम भी 1947 में उनका देहांत हुआ। जब वो उनका देहांत हुआ, ट्रीटमेंट करने वाला कोई नहीं था। जब तक डॉक्टर आया, महाराजा वीर विक्रम नहीं रहा। मेरा पिताजी को देखिए, अगर राइट टाइम में ट्रीटमेंट मिलता तो आज मेरा पिताजी जिंदा रहे। तो आज अगर मेरे अंदर में एक सेंटिमेंट है कि अगर मैं आज एक भी व्यक्ति को बचा सकता हूँ तो वो आशीर्वाद है ऊपर से हमको, कि हम लोग ने एक इंसान को बचाया जब वो, उसका सिचुएशन सीरियस था। ये पर्सनल चीज है। सेकंड चीज, यहां में मेरे YTF के मेंबर्स लोग हैं, हमेशा बोलते हैं बुबागरा ब्लड डोनेशन कैंप करो, ब्लड डोनेशन कैंप करो। तो मैंने डॉक्टर करण अपोलो के हैं यहाँ से, जिसने बात की, मैंने कहा कि आप लोग ही यहाँ आकर हमारे लिए ब्लड बैंक बना लो, कॉस्टिंग हम लोग देख लेंगे। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन ही हमको आश्वासन दे रहा है कि आप चिंता मत कीजिए, हम लोग वर्ल्ड क्लास ब्लड बैंक खैरिंग बार में, खुमुलुंग में बना के रखेंगे। क्या है ये ब्लड बैंक? अगर आज किसी का, अगर आज किसी का सर्जरी है तो आपका खून का दरकार है,
अगर कोई बीमार है और उनका खून का ब्लड डोनेशन दरकार है, एक्सीडेंट हुआ है, खून का दरकार है। अगर कोई बच्चा डिलीवरी कर रहा है, उसमें ऑपरेशन हो रहा है, उसमें कॉम्प्लिकेशन आता है, खून का दरकार। लेकिन मैंने एक चीज़ और कहा अपोलो को कि सिर्फ ब्लड बैंक से नहीं होगा, आज त्रिपुरा में ड्रग्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं, यहाँ में बहुत बुमाए लोग हैं, है कि नहीं, और ये ड्रग से क्या बढ़ता है, एड्स, एचआईवी। तो हमने बोला है कि इस ब्लड बैंक में एचआईवी टेस्टिंग तो होना ही पड़ेगा, एचआईवी टेस्टिंग भी होगा, क्योंकि अगर हमने आज ये ड्रग्स का नशा को बंद नहीं किया, एचआईवी को हमने कंट्रोल नहीं किया,